टू डेज में और जैसे ही वर्कर कम किए ट्वेंटी काम कितने डे में कंप्लीट हुआ फोर डेज फिर और कम किया लेबर्स को तो काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ फाइव डेज तो यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स कम होते जा रहे हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज बढ़ते जा रहे हैं पिछला जो था हमारा डायरेक्ट वेरिएशन उसमें एक क्वांटिटी बढ़ रही थी तो साथ में दूसरी भी बढ़ रही थी यहाँ पर केस उल्टा है यहाँ पर एक क्वांटिटी बढ़ रही है कम हो रही है तो दूसरी ऑटोमेटिक बढ़ रही है ठीक तो ये जस्ट उसका अपोजिट होता है इनवर्स वेरिएशन इन दिस केस इस केस में क्या होता है कि हम पिछले केस में दोनों का डिवाइड करते थे और सेम रेशियो लाते थे यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई होगा और इक्वल नंबर आएंगे जैसे फोर्टी टू जा एटी ट्वेंटी फोर जा एटी सिक्सटीन फाइव जा एटी इन दिस टाइप ओके तो यहां पर एक्स और वाई का मल्टीप्लाई होगा पिछले क्वेश्चन में डिवाइड होता था ठीक तो यहाँ पर हम इस टाइप से लिखेंगे इसका फार्मूला एक्स वन वाई वन इक्वल एक्स टू वाई टू तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर वन की तरफ इसमें भी आपको एग्जाम्पल सबसे पहले करना है यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर वन ये वाला है इफ्टू ट्वेंटी एट मैन ऑफ जॉब इन फिफ्टीन डेज हाउ मेनी मैन कैन डू द जॉब इन सेवन डेज तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पढ़ के पता करना है कि ये डायरेक्ट है या फिर इनवर्स वेरिएशन है ठीक तो ये इनवर्स वेरिएशन है क्योंकि नंबर ऑफ मैन ट्वेंटी एट है तो नंबर ऑफ डेज कितने लग रहे हैं फिफ्टीन अब यदि कम डेज लगना हो तो कितने मेंबर बढ़ाने पड़ेंगे ठीक है तो ये जस्ट उसका अपोजिट है जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि नंबर ऑफ डेज लेस हो रहे हैं यहां पर ठीक है तो यहां पर हम एक्स वन वाई वन इजिकल टू एक्स टू वाई टू लेंगे ये एक्स वन होगा ये वाई वन ये एक्स टू ये वाई टू वैल्यू पुट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा एज इट इज आपको सेकंड एग्जाम्पल करना है ठीक है सेकंड एग्जांपल भी दिया है फिफ्टी टू परसेंट कैन डू पीस ऑफ वर्क थर्टी फाइव डेज फिफ्टी टू परसन है थर्टी फाइव डेज में कंप्लीट कर रहे हैं तो ट्वेंटी एट परसेंट कितने डेज में कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर भी इन्वर्स वेरिएशन लगेगा इसलिए इस टाइप से लिखेंगे मल्टीप्लाई करके ठीक है मतलब फिफ्टी टू थर्टी फाइव दोनों को मल्टीप्लाई ट्वेंटी एट मल्टीप्लाई एक्स सोल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा तो दूसरा एग्जाम्पल भी आपको करना है बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की यहाँ पर भी नंबर ऑफ सोल्जर्स दिए हैं और फॉर ट्वेंटी डेज का दिया हुआ है ठीक है यहाँ नंबर ऑफ सोल्जर ये हैं हंड्रेड नंबर ऑफ डेज ट्वेंटी यानी कि जो भी उनका रहता है सामान वगैरह ठीक है तो वो आपको बताना है यहाँ पर एक्स दिया हुआ है ट्वेंटी फाइव तो यहाँ पर भी इन्वर्स वेरिएशन लगेगा ठीक फूड की क्वान्टिटी बताइए यहाँ पर एक्स वन वाई वन इजिकल टू एक्स टू वाई टू वैल्यू पुट करिए आंसर आ गया ठीक तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व करना है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर थर्ड फिर आपको एग्जाम्पल नंबर फोर भी करना है इसी टाइप से ठीक स्पीड दी हुई है फिफ्टीन टाइम कितना कवर कर रहा है टेन मिनट में एक्स किलोमीटर दिया है थ्री मिनट में कितना कवर करेगा ये आपको बताना है तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि स्पीड जैसे ही बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा ठीक तो अपोजिट है यहाँ पर तो इन्वर्स लगेगा तो इस तरीके से ये आंसर निकलेगा तो ये चार एग्जाम्पल आपको करना है इस एक्सरसाइज में ये चार एग्जाम्पल कंप्लीट करने के बाद आपके पास है टेन पॉइंट टू एक्सरसाइज आएगी जिसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ही आपको करना है आप चाहें तो नीचे के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ कि वन ट्वेंटी फाइव मैंने फूड कितने दिन लग रहा है वन एट्टी डेज का देन हाउ इट लिस्ट द नंबर ऑफ बिकम इज वन फिफ्टी वन फिफ्टी कितने डेज में होगा ठीक तो इस टाइप से आपको ये सॉल्व करके देना है सेकंड क्वेश्चन है अक्षत हैज इनफ मनी ऑर टू बाय सेवेंटी फाइव वीडियो गेम फॉर टू हंड्रेड रुपीज इच एक टू हंड्रेड रुपीज का है हाउ मेनी वीडियो गेम्स इज कैन बी बाय इट्स टू डिस्काउंट ऑफ फिफ्टी रुपीज ऑन ईच वीडियो गेम यदि पचास रुपए का डिस्काउंट इसमें कर दे तो वो कितने वीडियो गेम खरीद सकता है ये आपको बताना है तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारा वन ट्वेंटी फाइव मेन डेज कितने लग रहे थे 180 तो 150 के लिए कितने डेज लगेंगे तो वही एक्स वन वाई वन इजिकल टू एक्स टू टू वैल्यू पुट करी 150 हमारा आंसर आ गया ठीक उसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ वीडियो गेम 75 प्राइस लग रहे हैं 200 जब 200 में 50 माइनस करेंगे क्योंकि उन्होंने 50 परसेंट का डिस्काउंट फिफ्टी रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है तो 150 हो जाएगा प्राइस तो आपको वीडियो गेम की प्राइस बतानी है तो यहाँ पर वीडियो गेम कितने हो गए 100 वीडियो गेम आप खरीद सकते हैं तो ये दो क्वेश्चन आपको राइट करना है ठीक और चार एग्जाम्पल तो टोटल सिक्स क्वेश्चन करना है आपको टेन में कल आपको पी सेंड हो जाएगी थैंक यू